हेलो सब्सक्राइबर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है। तो ये स्टार्टिंग से हम बताते हैं आपको, ये है शिप, ये आपका वाटरवे है ना, यानी अगर आपको वाटर में ट्रैवल करना है तो शिप से करते हो। ये आपका रोडवेज, अगर से ट्रक कोई भी सामान वगैरह भेजना है। ये आपका एयरवे, ये आपका रॉकेट हो गया। ये सारी चीज़ें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे शिप हो गया, ये सब वाटरवे है, शिप है, ये बोट है, ये सब वाटरवे है। तो इसी तरीके से आज हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में आएंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट यही होता है कि कोई भी चीज़ आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस या खुद को ट्रैवल करके एक प्लेस से अनदर प्लेस पे पहुँचाना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर कोई चीज़ पहुँचाना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, जिस चीज़ के थ्रू हम कोई सामान पहुँचाते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब यहाँ से किसी दूर रहने वाले, मतलब जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो आपसे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूर पे रहता है, उसे कांटेक्ट करना या कम्युनिकेट करने को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये देखिए, फिर कुछ सिंपल लोग, कुछ लोग ट्रैवल करके मतलब पैदल चल के भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर ये डंकी पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ पहले के लोग, बाईसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, ये सारे मोड ऑफ अलग अलग ट्रांसपोर्ट है। कुछ रोड ट्रांसपोर्ट है, कुछ अलग अलग सारे ट्रांसपोर्ट हैं। कैन यू टेल स्टडी ऑफ पिक्चर्स, तो आपको अलग अलग पिक्चर दिए हैं। फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कौन कौन से पर्पस के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। विच ऑफ दीज थ्री वॉज फर्स्ट टू यूज बाई मैन, है ना, कौन सा इसमें से पहले मैन ने यूज किया था, इसमें से कौन सा थिंग। विच पार्ट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, कौन सा कॉमन है इन ऑल द थ्री में, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है तो आप बाई ट्रेन जाते हो, ठीक है। आपको मतलब शॉर्ट ट्रैवल करना है तो आप बाई रोड जाते हो, ठीक है, यानी बस वगैरह से। और बहुत छोटा यानी गांव वगैरह में जो लोग ट्रांसपोर्ट इधर से उधर करते हैं वो बुलक कार्ट के थ्रू जाते हैं। और सबसे पहले इंसानों ने जब ट्रैवल करना तो उन्होंने पैदल, है ना, सबसे पहले पैदल चलना शुरू किया था। फिर कोई भी सामान एक जगह से लेके जाते थे तो बाई फुट, मतलब चल के जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कैसा रस्सी बांधी लकड़ी में और उसको खींच कर ले जाना शुरू किया। फिर लगा हाँ ये भी यार टफ है, फिर क्या करते थे, एक पटरा लेते थे और उसके नीचे राउंडेड लॉग लगाते थे सिलेंडरिकल टाइप, और उसके ऊपर से उसको खींचते रहते थे और आगे से लॉग चेंज करते रहते थे। जैसा आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये सब ओल्ड एज ट्रांसपोर्ट है, पहले लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया। इवन इफ अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड इन मॉडर्न टाइम, इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैन एंड एनिमल आर स्टिल यूज फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, याक आर यूज इन अ इंसिजिबल पार्ट ऑफ कैमल इन द डिजर्ट एंड पालकी इन द डोरीज इन माउंटेन। जैसे ये कह रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं हो गया कि लोग वो मॉडर्न हो गए हैं तो अब ये ओल्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बंद कर दिया है। अभी भी जब आप जाओगे ना आइसिंग वगैरह करने, जहाँ पर बहुत बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ भी आज भी लोग याक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब घूमते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। और आप जानते हो रेगिस्तान में आज भी कैमल को शिप कहा जाता है डिजर्ट का, तो कैमल से, और जो डोली में दुल्हन को बिठा के ले जाते हैं तो वो बाई मैन के थ्रू डोली उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती है। वाटर एंड विंड आर सब्सटेंस दैट फ्लो, पाइप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, वाटर हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइप और कैनाल सिंस एंशियंट टाइम। सबसे पहले क्या होता है कि वाटर जो विंड है वो जो सब्सटेंस है जो अपने आप फ्लो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, ठीक है। तो पाइप, फिर पाइप यूज़ किया गया किसके लिए, ट्रांसपोर्ट दी सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी। ऐसे तो आपको पता नहीं ना कि वाटर का यहाँ से कहाँ, अगर आपको कहीं वाटर भेजना है आप वाटर को बोलो कि नहीं चले जाओ तुम, नहीं जा, वो वाटर ऐसे छोड़ दोगे ऐसा टैप चालू करके तो बहेगा ना और कहाँ जाएगा, गटर में। बट अगर उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे आपको अपने गार्डन तक वाटर पहुँचाना है तो आप टैप में और उसमें गार्डन तक के बीच में पाइप लगाओगे ना, तो उसको एक ट्रांसपोर्ट का यानी एक रास्ता मिल जाएगा गार्डन तक पहुँचने में। तो उन्होंने वही बताया कि पाइप के थ्रू हम लोग वाटर और एयर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। लाइक अब वो उसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि क्या क्या भेजना होता है, कम्बस्टाइल, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ऑयल जो एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है पाइपलाइन में, फिर कैरोसिन वगैरह हो गया, फिर अब तो जो गैस सीएनजी गैस हो गई वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजने के लिए पाइप का यूज़ करने लगे हैं। मंजीत एंड सलीम हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम ऑन माउंटेन, हाउएवर सिंस द वेट ऑफ वाटर इज़ टू मच फॉर देम दे कैन नॉट कैरी इट डाउन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन
शुड दे यूज़। अब इन्होंने क्या बोला कि मनमीत और सलीम जो है ना वाटर से उनको पानी लेके आना, लेकिन पानी का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो अभी तीनों में से कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे, मतलब क्या यूज़ करेंगे, वो हॉर्स के ऊपर पानी लेके आएंगे कि पाइपलाइन के थ्रू पानी लेके आएंगे कि पालकी में रख के लाएंगे। आप बताओ, आप बोलो कि हॉर्स के ऊपर पानी रख दो, तो हॉर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी लेगा, दो बकेट अगर मतलब जो गैलन आता है 2 गैलन पानी रख सकता है ना, वो भी उसको लाने में बहुत मेहनत लगेगी। फिर सेकेंड होता है पाइपलाइन, आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया वाटर से माउंटेन पे और दूसरा पाइप कनेक्ट कर दिया जहाँ पे आपको पानी भेजना है ना, और मस्त पानी वहाँ से चालू कर दिया, फ्लो में अपना पहुँच जाएगा। और पालकी में रख के भेजोगे क्या पानी, डोली में, नहीं ना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आपको पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुँचाना है। अब बारी आती है कम्युनिकेशन की। पहले के लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे बताया, पहले के लोग बोल भी नहीं पाते थे, तो वो अपने ऐसे ही कोड वर्ड में, जैसे आज जानवर बोलते हैं ना तो उनकी कम्युनिकेशन वो समझ पाते हैं बट हम नहीं समझ पाते, ऐसे ही लोग पहले के लोग जो बोलते थे ना उनका अलग ही कोडिंग होता, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, उस हिसाब से कम्युनिकेट करना सीखा। पहले के लोग जब राजा वजा का फरमान आता था ना, राजा को कुछ कहना होता था लोगों से, तो पहले के लोग ढोलक बजाते थे और सारे लोग जमा हो जाते थे, उसका एक कम्युनिकेशन मोड बन गया था ना कि हाँ जब वहाँ ढोलक बजेगी तो इसका मतलब है कि हमें उस जगह पर जाकर सुनना है ये सारी चीज़। फिर जो राजा का वो होता था सिपाही, वो बोलता था हाँ हाँ ये राजा का हुक्म है, हमको मानना है, तो लोगों को जैसे ढोल बजती थी ना सबको समझ पड़ जाता था, उनको कम्युनिकेशन का ज़रिया मालूम पड़ गया था ना कि हाँ हाँ राजा का कुछ तो फरमान आया है, चले हमें जाके सुनना है। फिर धीरे धीरे डाकिया आ गया, जब डाकिया आता था लोग समझ जाते थे गाँव में हाँ हाँ भाई किसी की चिट्ठी आई है, सब इंतज़ार करते थे, तो जिसकी चिट्ठी रहती थी डाकिया उसको रिहा दे देता था। फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें इधर उधर की और जो भी हो वो लिख के दे देते थे। फिर उसके बाद रेडियो आ गया, रेडियो पे भी आकाशवाणी, दूरदर्शन ये सब चलने लगा, और एक जगह से दूसरी जगह की खबरें और चीज़ें क्या हो रही है लोगों को मालूम पड़ने लगी। फिर टेलीविज़न आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, और आज तो मोबाइल, हर किसी के मोबाइल में हर लेटेस्ट न्यूज़ फ़ौरन कुछ भी है फटाक से यूट्यूब खोला और फटाफट जान लिया, गूगल खोला फटाफट चेक कर लिया। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा, पहले क्या था, बड़ा भी था है ना और स्लो पहुंचता था लोगों तक, धीरे धीरे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट फास्ट होता गया और एक शॉर्ट एक मोबाइल के उसमें आके सबकी जेब में आ गया और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो गया। या अमेरिका में क्या हो रहा है आप इंडिया में 1 सेकंड में आपको मालूम पड़ सकता है बाय गूगल है ना, पहले तो महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह लिफाफा और चिट्ठी भेजने में। अब आता है यूज़ योर ब्रेन पैसेज, ठीक है, आपको अपना यूज़ ब्रेन यूज़ करना है और कुछ क्वेश्चन ये उसके आंसर देना है, वो तो देख लेना आप तो खुद ही हो ब्रेन वाले। फिर भी अब हम कुछ सॉल्व करते हैं इसमें से, देखें क्या क्या है। रीड दिस पैसेज बिलो, आंसर द फॉलोइंग, विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसफर मेंशन इन दिस पैसेज, विच आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन इन द पैसेज, अरेंज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट द स्लोएस्ट विच ऑफ देम यूज़। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट की चीज़ें दी हैं, फिर हमको अरेंज करना है कौन सा कितना फास्टेस्ट है, कौन सा कितना न्यू है, कौन सा कितना ओल्ड एज में यूज़ होता था, वो सारे हमको इस पिक्चर्स में देखकर बताना है। टुडे वाज हॉलीडे, रोहन वाज एट होम, ही वाज वाचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, जस्ट देन द डोरबेल रैंग व्हेन द ओपन। अच्छा, आपको ये चीज़ों को ना पकड़ना है, मतलब वो चीज़ों को डायरेक्ट वर्डिंग की जगह ना ये चीज़ें दे दी गई है, आपको वो चीज़ें पकड़ना है, जैसे कि बोलते हैं ना ये वाला आप ये देखो ये लाइन, एंड वॉज अराइव फ्रॉम नागपुर बाई रेलवे है ना, सो ये डायरेक्ट इन्होंने ट्रेन का पिक्चर दे दिया है, तो आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। फिर इन्होंने जैसे दिया है यहाँ पर आंट कॉल द रैंग, मतलब आंट की जो फ़ोन की घंटी बजी है, ठीक है। फिर वो मदर पिक्ड अप द फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको टैकल करना है खुद से, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा आप लोग करना। फिर डू यू नो में लिखते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ मैन यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर डिफरेंट साउंड टू मीन द डिफरेंट थिंग, दिस लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आफ्टर। पहले क्या होता था पता है, बहुत पहले की बात है, कि जब लोगों को ना कहीं कुछ बताना होता था या किसी से कुछ बात करना होता था ना, तो उनको पता नहीं था कि साउंड मतलब बोल कर बता सकते, क्योंकि उनको बोलना भी नहीं आता था ओल्ड एज में ना, तो वो जब अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही बात कर लेते थे एक दूसरे से। आप बोलोगे अरे फेस के एक्सप्रेशन से कैसे बात कर लेते थे, तो सपोज अगर किसी की डेथ हो गई है तो अपना फेस का एक्सप्रेशन एकदम सैड बना के सामने वाले के साथ चले जाते थे, तो उसके सामने वाला या उसका रिलेटिव समझ जाता था हाँ लगता है किसी की डेथ हो गई है, किसी को चोट वगैरह लग गई है, और किसी का मतलब
कुछ अच्छा होता था, किसी की शादी वादी रहती थी या कुछ फैमिली में खुशी होती थी, तो जाकर एकदम स्माइली फेस बना लेते थे और वहाँ उसको मालूम पड़ जाता है। जैसा देखो ना, आज भी जो ओल्ड एज में यूज़ होता था वो आज हम वापस से यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, टाइपिंग से ज़्यादा मैसेज में स्माइली और इमोजी भेज के काम चला लेते हैं। कभी हमको गुस्सा रहता है तो मतलब गुस्से वाला इमोजी, खुश रहते हैं तो स्माइली वाला, और हमें हंसना होता है तो लाफिंग वाला, बहुत सारा इमोजी। हर इमोजी का आपको अलग अलग मतलब है। तो पहले के लोग ऐसे ही एक्सप्रेशन से, इमोशन से ही लोगों से बात कर लेते थे, जैसे कि टाइम आज हम इमोजी के थ्रू लोगों को बता लेते हैं कि हम गुस्से में हैं, कि सैड हैं, कि हमको पेन है या चोट लग गई। हर टाइप का आपको इमोजी देखने को मिलता है आपके कीपैड में। उसी तरह पहले के लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन से बात कर लेते थे। Nowadays we have technique for very quick communication now used in field within the help of media such as radio. मैंने बताया ना आपको, पहले का वो जो कम्युनिकेशन था बहुत स्लो था। स्लो मतलब अगर किसी को कुछ भेजना है ना तो एक आदमी जाता था चल के, अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो कम से कम 10 घंटे में पहुंचता था चल चल के आराम से। फिर धीरे धीरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गाड़ी आ गई, तो फिर वो गाड़ी से जाने लगा तो फिर एक घंटे में पहुंचने लगा, फिर धीरे धीरे और फास्ट होते गया। बट अब क्या होता है, अगर 10 किलोमीटर दूर भी किसी है ना और किसी को किसी से कम्युनिकेट करना है, कुछ बात करना है, तो वो फटाक से एक कॉल करता है और उसको एक सेकंड में बता देता है। या वो कहीं की 10 किलोमीटर दूर की न्यूज़ है, कुछ हुआ वहाँ, फटाक से टेलीविज़न ऑन करता है और फटाफट देख लेता है। तो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कैसा फास्ट होते गए और कम्युनिकेशन भी फास्ट होता गया, और धीरे धीरे आज का मॉडर्न टाइम आ गया और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो, यस सर मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। ठीक है।